सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग अध्याय 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है लिंग अर्थात जेंडर। लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसलिए जिस चिन्ह से यह पता चले कि क्या संज्ञा पुरुष जाति के लिए है या स्त्री जाति के लिए, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी जिस चिन्ह से हमें पता चलता है कि यह जो संज्ञा है पुरुष जाति के लिए है या स्त्री जाति के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अर्थात जो शब्द स्त्री या पुरुष का बोध कराए, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे आदमी खाना खा रहा है, औरत खाना बना रही है, शेर खड़ा है और शेरनी बैठी हुई है। यानी जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग को पहचाने का अर्थ होता है जब हम स्त्री और पुरुष का बोध कराते हैं, तो हमें लिंग की पहचान होती है। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, हिंदी में और संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुलिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं, पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं, वे पुलिंग कहलाते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है या उसके अंतर्गत होता है या उसके जैसा कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पुलिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिता, भाई, चाचा, पेड़, शेर, ये सब जितने भी उदाहरण है, ये पुरुष जाति के उदाहरण है। और स्त्रीलिंग में होता है कि जब हम जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है या जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, माने जाते हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, माता, बहन, चाची, शेरनी, कुतिया, घोड़ी, गाय, कुर्सी, ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सब स्त्रीलिंग जाति के उदाहरण होते हैं। लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? लिंग की पहचान करने के लिए हिंदी में संज्ञा शब्द प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक होते हैं, यानी जीवित होते हैं और जीवित नहीं भी होते हैं। यानी कि जिनमें जीव होता है, जिनमें जान होता है, उसे प्राणीवाचक कहते हैं, और जिनमें जान नहीं होता है, उसे अप्राणीवाचक कहते हैं। जैसे प्राणियों के लिए लिंग पहचानना सरल है। प्राणियों के लिए अगर वह शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं या पुलिंग और स्त्री जाति का है, तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे वो प्राणियों में हम लिंग कैसे पहचानना सरल है, अगर वह शब्द पुरुष जाति का है तो वो पुरुष जाति कहलाता है, और स्त्री जाति का तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे माली, मालिन, मोर, मोरनी, जो माली है वो पुरुष पुलिंग है, और मालिन है जो वो स्त्रीलिंग है। मोर पुलिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, राम पुलिंग, सीता स्त्रीलिंग आदि, ये सब क्या है, ये प्राणीवाचक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। और कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव पुलिंग या स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे तितली, कोयल, इसका हम पुलिंग शब्द नहीं होते हैं। जैसे तितली और कोयल, कभी भी तितली और कोयल को स्त्रीलिंग जाति का ही बोध कराता है, और कौवा और मच्छर जो होता है वो पुलिंग जाति का बोध कराता है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिए लिंग की पहचान कठिन है, क्योंकि हिंदी में लिंग का प्रयोग परंपरा के निर्णय पर ही निर्भर करता है। यानी जो हमारी परंपरा होती है, जो इनके कोई निश्चित नियम नहीं होते। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान करना कठिन होता है। फिर भी इन्हें पहचाने में शब्दकोश, व्याकरण तथा कुछ नियम सहायता करते हैं। शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी में, और जो व्याकरण तथा कुछ जो नियम होते हैं वो हमें सहायता करते हैं कि इसमें प्राणीवाचक संज्ञा और लिंग और अप्राणीवाचक लिंग कौन से कहलाए जाते हैं। पुलिंग शब्दों की पहचान हम किस प्रकार करते हैं, देखिए आइए हम पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, क, त्व अथवा औड़ा हो, वे पुलिंग होते हैं।
जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे मोटा, आज इसमें जिसमें हम जब प्रयोग करते हैं मोटा तो लास्ट में आ की मात्रा आती है। छाता, इसमें भी लास्ट जो अंतिम जो अंतिम शब्द होते हैं उसमें आ की मात्रा आती है। बहाव, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, देवत्व, जो त्व है वो अंतिम जो शब्द होते हैं उसमें आते हैं। इसी तरह कई उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, गायक, स्त्रीत्व, हथौड़ा, इन इन शब्दों के अंत में ये अगर ये शब्द होते हैं तो उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पर्वत, महीनों, दिनों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। जैसे हिमालय, चैत्र, जून, रविवार, सूर्य आदि, ये ग्रहों में है। पृथ्वी जो है अपवाद है, यानी जो पृथ्वी शब्द होती है यह स्त्रीलिंग होती है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अपवाद भी यानी एक्सेप्शनल भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। जैसे कि जब हम पर्वतों और महीनों, दिनों और ग्रहों के नाम हमेशा पुलिंग ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग भी कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे पृथ्वी है या अपवाद है। वृक्षों के नाम पुलिंग होते हैं, अक्सर वृक्षों के नाम होते हैं जो पुलिंग होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद शब्द होते हैं, जैसे बेर, लीची, नारंगी, नाशपाती, और ये सब सारे जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग है। लेकिन और भी जो पेड़ के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पीपल, नीम, बरगद, आम, ये सब पुलिंग के उदाहरण होते हैं। अनाजों के नाम पुलिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चना, चावल आदि, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, मूंग दाल, मकई, ज्वार, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। उसके अलावा धातु और द्रव्य, धातु और द्रव्य पदार्थ पुलिंग होते हैं। द्रव्य जैसे कि घी, तेल, पानी, इन्हें हम द्रव्य पदार्थ कहते हैं। और धातु कहते हैं जो कठोर होते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, ये सब जो होते हैं, ये सब ये जो तीनों शब्द हैं या धातु शब्द हैं, और पानी, घी, पेट्रोल आदि, ये सब द्रव्य हैं। तो इसे, लेकिन अपवाद जो चांदी और चाय और शाही, चांदी हो गया धातु शब्द, चाय हो गया द्रव्य शब्द, शाही और चाय और शराब, ये सब क्या हो गया, द्रव्य पदार्थ हो गया, और चांदी हो गया ये धातु हो गया, लेकिन ये सभी अपवाद शब्द होते हैं स्त्रीलिंग के। सब रत्नों के नाम पुलिंग होते हैं, और रत्नों के नाम जो होते हैं, जो हम ग्रह से बचने के लिए जिन हम रत्नों को धारण करते हैं उसे हम रत्न कहते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज, ये सब पुलिंग शब्द होते हैं, लेकिन मणि जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होती है, यानी ये भी एक अपवाद है। शरीर के कुछ अंग होते हैं जो पुलिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर, कान, गला आदि। और वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम भी पुलिंग होते हैं, जैसे अ, उ, ए, ओ, ये जितने भी शब्द हैं ये सब पुलिंग शब्द कहलाते हैं। और री और ई, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये भी अपवाद शब्द होते हैं। अपवाद शब्द का अर्थ मैंने बताया भी, एक्सेप्शनल होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में एरा, खाना, दान, वाल आते हैं वो पुलिंग होते हैं, जैसे चचेरा, जैसे इसके अंतिम शब्द हो गए आरा, आ की मात्रा हो गई, ममीरा में आ की मात्रा हो गई, कैद खाना में खाना जो हो गया वो आके खाना, ये हो गए, ये सब पुलिंग शब्द है। पागल खाना, ये सब जितने शब्द होते हैं ये सब सब्जी वाला, यहाँ पे विदान और वाला आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ये सब आते हैं ये सब पुलिंग शब्द कहलाते हैं। समुद्र के नाम होते हैं पुलिंग, जैसे अरब सागर, हिंद सागर, काला सागर आदि। जितने भी अरब, जितने भी सागर के नाम यानी समुद्र के नाम होते हैं वे सब पुलिंग शब्द में आते हैं। महीनों और दिनों के नाम भी पुलिंग में आते हैं, जैसे चैत, बैसाख, सोमवार, मंगलवार, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सब पुलिंग शब्द कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र होता है वे प्रायः पुलिंग होते हैं, जैसे नेत्र, क्षेत्र आदि। यानी कि जिसमें त्र, जिस शब्द के अंत में त्र आता है उसे हम पुलिंग शब्द कहते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्द जिनके अंत में अन्न होता है पुलिंग होते हैं, जैसे वच, न, द, म, न, मन, अन्न शब्द जो लास्ट में जो न शब्द आ रहे हैं, अन्न शब्द आ रहा है, व, च, ओ, न, अन, अन, द, म, न, अन आदि, तत्सम और
तद्भव शब्द वो होते हैं, तत्सम शब्द जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और जो तत्सम शब्द होते हैं वो शब्द के अंत में इनका प्रयोग होता है। जब जैसे जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, ज प्रत्यय से बना शब्द पुलिंग होता है, इसमें ज प्रत्यय शब्द उपसर्ग और प्रत्यय शब्द भी होते हैं। जब किसी शब्द के अंत में किसी अक्षर का प्रयोग होता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जब प्रारंभ में उस शब्द का प्रयोग होता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? ट व ट ह ट ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द। बच्चों अभी हमने बताया कि जब किसी शब्द के अंत में ट व ट ह ट ये ता ये लगता है, ये सब प्रत्यय शब्द कहलाते हैं, जिससे मिलाकर हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हो गया कूट लूट, बनावट सजावट मधुरता सज्जनता आदि, यानी कि जो ट शब्द है यानी उसके आगे अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। और प्रत्यय में कभी भी हम अक्षर के शब्द के अंत में ही शब्द अक्षर को लगाते हैं, जिससे उसे और उपसर्ग जो लगाते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगाते हैं, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। शरीर के कुछ अंग हो गए स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गर्दन, पलक, नाक, आंख, जीव आदि। उसके बाद से है उकरात तत्सम संज्ञा शब्दों स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे उकरात शब्द, जब किसी शब्द के अंत में ऊ का प्रयोग होता है तो उसे उकरात शब्द कहते हैं। उकरात शब्द इकरांत शब्द कहते हैं जब किसी शब्द के अंत में ई का प्रयोग किया जाता है। उकरांत शब्द जैसे होते हैं वायु, आयु, ऋतु आदि, ये सब जो ऊ की मात्रा होती है। वायु जब हम इसका बोलने में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके अंत में ऊ का प्रयोग होता है। और ईमा प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कालीमा, लालिमा आदि, यानी जो इसके अंत में ईमा की कालीमा ई की मात्रा, जब हम किसी शब्द इसको बोलने में हम जब हम बोलते हैं तो इसमें ईमा शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा ई या आई प्रत्यय से बनने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लास्ट में प्रत्यय शब्द का हम प्रयोग करते हैं, किसी शब्द के लास्ट में अंत में हम प्रत्यय शब्द का प्रयोग करते हैं, चिड़िया, गुड़िया, भलाई, ये सब जितने भी हैं, ये सब या और आई जब शब्द बनते हैं तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इकरांत शब्द भी मैंने बताया, जब किसी शब्द के अंत में ई की मात्रा आती है, जैसे नदी, टोपी, चोटी, ये सब भी शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और घी, दही, मोती, ये सब आदि जो अपवाद शब्द होते हैं या पुलिंग शब्द होते हैं। नदियां, खाड़ियां और पहाड़ियां, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सब क्या हो गए, ये सब अरावली शब्द होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अपवाद में हिंदू और ब्रह्मपुत्र नदियां पुलिंग होते हैं। तिथियों के जो नाम है वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, ये सब जितने भी शब्द होते हैं ये सब तिथियों के नाम ही होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि, ये सब जो होते हैं ये सब नक्षत्रों के नाम होते हैं। और भोजन मसालों के नाम भी, जैसे रोटी, सब्जी, ये सब्जी जितने शब्द हैं ये सब भी स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद में आ जाता है गरम मसाला, नमक और केसर, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे सदैव पुल्लिंग शब्द कैसे कहलाते हैं? उल्लू, कछुआ, खरगोश, गरुड़, चीता, गिद्ध, तोता, कौवा, ये सब जितने शब्द होते हैं ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द जोड़ते हैं। जब मादा शब्द जोड़ते हैं तो वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाने लगते हैं, जैसे मादा उल्लू, जब हम मादा का प्रयोग करते हैं तो उसे हम
स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे मादा उल्लू, मादा कछुआ आदि। इन्हें नृत्य पुलिंग भी कहते हैं, इन्हें नृत्य क्या कहते हैं, इन्हें नृत्य पुलिंग भी कहते हैं। जैसे ये जो जितने भी शब्द हैं ये सब पुलिंग शब्द होते हैं, इनमें आ ई की मात्रा जोड़ने पर भी ये स्त्रीलिंग नहीं बन पाते हैं, लेकिन जब इनमें मादा शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो इसमें हम ये नृत्य पुलिंग शब्द भी कहलाते हैं और स्त्रीलिंग शब्द भी कहलाते हैं। और सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, सदैव यानी हमेशा से यही स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, इनका पुलिंग शब्द नहीं होता है, लेकिन जब भी हम पुलिंग शब्द को इसे पुलिंग शब्द बनाते हैं तो उसके आगे नर का प्रयोग करते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में हम मादा का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार पुलिंग में हम नर का प्रयोग करते हैं। कोयल, बुलबुल, मैना, गिलहरी, छिपकली, तितली, ये सब जितने हैं ये सब पुलिंग शब्द होते हैं। और जब इसके आगे नर शब्द जोड़ते हैं तो नर कोयल, नर गिलहरी आदि ये सब भी पुलिंग शब्द बन जाते हैं, इन्हें हम नृत्य स्त्रीलिंग भी कहते हैं। बच्चों आज मैं अध्याय यही समाप्त करती हूँ, आप इसे ध्यान से पढ़ें बच्चों और इसे समझें। मैं दूसरे कक्षा में आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।